हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 का जो न्यू एडअप चैप्टर हुआ है, यानी कौन सा चैप्टर, द थर्ड लेवल, जो एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, वो पढ़ने वाले हैं विद प्रॉपर नोट्स। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। इन दिस चैप्टर नरेटर फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस चैप्टर में है क्या गाइस, सिंपल सी बात है, जो नरेटर है वो क्या करते हैं, वो ऐसे चलते चलते, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का नेम है, काफी बड़ा स्टेशन है, उसके थर्ड लेवल पे चले जाते हैं। बट एक्चुअल में कोई थर्ड लेवल उसमें है ही नहीं, यानी उसमें दो ही फ्लोर है, थर्ड फ्लोर एक तरीके से है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। बट द अथॉरिटीज एज वेल एज द अदर्स सो दैट देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल। जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं और जो बाकी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कसम भी खा लेते हैं कि भाई ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लोर हैं और कोई फ्लोर है ही नहीं। His psychiatrist friend call it a waking dream wish fulfillment. ये waking dream wish fulfillment क्या है, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा। एक तरीके से इतना समझ लीजिए, उनका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है यानी नरेटर का, वो ये चीज कंसल्ट करते हैं कि यार गाय मैं ऐसे वहां पे पहुंच गया था और लोग बोल रहे हैं वो है ही नहीं। तो वो उनको बताता है ये क्या है, एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी तुम जागते जागते कोई सपना देखते हो, वो क्या करता है, तुम्हें इस रियलिटी से एक दूसरी रियलिटी में लेके चल जाता है जहां पे तुम खुश होते हो, ऐसा कुछ बोला गया। चलिए देखते हैं गाइस, कैरेक्टर्स इन द चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। चार्ली मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, ये है यहाँ पे नरेटर, फर्स्ट वन टू रीच द थर्ड लेवल, और ये ही है जो कहाँ पहुंच जाते हैं, थर्ड लेवल पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैम द साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी चार्ली जो है उनके ये फ्रेंड है और इनकी बात कर रही है, ये कौन है, दिमाग के डॉक्टर। चार्ली कंसल्ट्स हिम विद द स्टोरी ऑफ थर्ड लेवल, चार्ली इनको कंसल्ट करता है, इनको ही बताता है किसके बारे में, थर्ड लेवल के बारे में। चलें थर्ड देखते हैं, लुइसा वाइफ ऑफ चार्ली, ये ज्यादा बड़ा रोल नहीं है गाइज इसमें इनका, पर छोटा ही रोल है, और ये कौन है, चार्ली की वाइफ है। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं गाइज। The narrator claims that he has been on the third level of the Grand Central Station. Narrator जो है यहाँ पे वो claim करते हैं कि मैंने देखा है और मैं गया भी हूँ, कहाँ पे, third level पे, किसके, Grand Central Station के। But others swear that there are only two levels at the Grand Central Station. मैं ये बता चुका हूँ आपको, पर और लोग जो हैं वो यहाँ पे कसम खाने को तैयार है और कसम खा रहे हैं कि Grand Central Station के सिर्फ दो ही level हैं। चार्ली कंसल्ट्स हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड एंड टेल्स हिम अबाउट द थर्ड लेवल, चार्ली जो है वो यहाँ पे अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कंसल्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि यार मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं थर्ड लेवल पे गया था। हिज फ्रेंड कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। एक्चुअल में गाइज है क्या यहाँ पे, ध्यान से समझिए, जो इनके फ्रेंड है वो बोलते हैं चार्ली तुम काफी अनहैप्पी रहते हो इस रियल वर्ल्ड में, तो तुम क्या करते हो, एक एस्केप, यानी एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पे तुम्हें हैप्पीनेस मिल सके, जहां पे तुम्हारी विश फुलफिल हो सके, वहां जाने का एक एस्केप ढूंढते हो। तो ये एक ये चीज समझ में आया कि ये जो आपको थर्ड लेवल दिख रहा है ये एक कुछ ऐसा है, ये एक ऐसा सोर्स है जो तुम्हारे को खुश करता है, जो तुम्हारी विश फुलफिल करता है। चलिए ही टेल्स दैट चार्ली रिमेन्स अनहैप्पी, मैंने आपको समझाया, चार्ली को वो बोलते हैं कि तुम अनहैप्पी रहते हो। His wife has become almost mad, ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है उनका रिलेशन, और वो उस पे हमेशा उसको ये चीज बोलती रहती है, उनको पता है उनकी वाइफ को, यानी चार्ली की वाइफ को, कि चार्ली खुश नहीं रहता है, तो काफी अपसेट है इस चीज से। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स एंड वरीज, जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, डर है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। सो ही जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, सो यहाँ पे जो चार्ली है वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, एस्केप यानी भाग जाना चाहता है। हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थिंक हिम एज एन एस्केपिस्ट, उसका जो फ्रेंड है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसको क्या समझते हैं, एक एस्केपिस्ट, कि ये हमेशा इस रियल वर्ल्ड से निकल के एक दूसरे इमेजिनरी वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं। हिज स्टैम्प कलेक्शन हैबिट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यहाँ पे बोला गया है वो क्या करते हैं, 40 स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, जो हम ठप्पा लगवाते हैं, यानी एक स्टैम्प गांधी जी का है किसी का भी लेटर के ऊपर, तो वो ये कलेक्ट करते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये जो इनकी हैबिट है वो भी क्या है, एक टेम्परेरी रिफ्यूजर फ्रॉम रियलिटी, ये कुछ देर के लिए जब वो उनमें खोए होते हैं या स्टैम्प इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो ये रियलिटी से कहीं और वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। चलिए चार्ली इज इन अ हरी टू गो टू हिज अपार्टमेंट। तो यहाँ पे वापस बताया गया चार्ली कैसे अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। ही टेक्स द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, सॉरी तो ग्रैंड सेंट्रल से क्या कहते हैं सबवे, यानी एक शॉर्टकट टाइप ऑफ ले लेते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने का। ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, तो वो फर्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, देन वो सेकेंड लेवल पे जाते हैं जहाँ पे ये डोमेस्टिक और मतलब आसपास की ट्रेन्स चलती हैं। ही एंटर्ड एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट लॉस्ट, फिर वो एक ऐसा आर्च यू गोल बना हुआ डोरवे में जाते हैं जो सबवे की तरफ जाता है और वो वहाँ पे खो जाते हैं। कौन? चार्ली की बात हो रही है। इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल। गाइज ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा, तो वहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आराम से खोया जा सकता है। मीन्स आपको करीब 3-4 बार तो लगेगा एक बार उसको देखने में, फिर भी आप पूरे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे किससे, ग्रैंड सेंट्रल से कि यार मैं ऐसे यहाँ से जाके और यहाँ से बाहर आ सकता हूँ, काफ़ी बड़ा है वो। द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यहाँ पे बोला गया है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, काफ़ी बड़ा। ओके, इट इज पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे रूट से एक पेड़ में से रूट्स ही रूट्स निकल रही है, अंदर बहुत सारी होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया उसमें भी न्यू कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारी स्टेयर्स हैं, तो सीढ़ियाँ इधर सीढ़ियाँ उधर सीढ़ियाँ ऐसे चलती हैं। कहाँ पे? ग्रैंड सेंट्रल में। ही हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, यहाँ पे बोला गया चार्ली का बहुत बार यानी हंड्रेड्स ऑफ टाइम से ज़्यादा ग्रैंड सेंट्रल में आ चुका है और बाहर जा चुका है। Once he got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt Hotel. तो यहाँ पे बोला गया एक बार वो ऐसे यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल में टनल में घुस गया था और दूसरी तरफ वो कहाँ पे आया, एक रोजवेल्ट नाम का होटल है वहाँ पे बाहर आए। Another time he came up in an office building on 46th Street यानी ओके, यहाँ पे बोला गया एक और टाइम वो कहाँ पे ऐसे ही चले गए थे किसी भी डोरवे में और वो कहाँ बाहर आए, 46th स्ट्रीट पे जो ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है गाइस, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह है, उसमें आप कोई पाथ फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे जा रहे हो तो फिर यहीं निकलोगे, आप ऐसे याद करके नहीं रख सकते, वहाँ पे इजीली कोई भी खो सकता है, यही बताया गया। ऑन द थर्ड लेवल ही फाइंड्स ओनली फ्यू टिकट विंडोज एंड गेट्स, तो यहाँ पे वो वापस बोला गया वो ऐसे जाते जाते सबवे में से जहाँ खो गया है, तो अब वो कहाँ निकले हैं बाहर, थर्ड लेवल पे। ये है नहीं गाइस, ऐसा भी बोला गया और है भी, तो यहाँ पे ये फिक्शन बताया गया है, इमेजिनेशन है किसकी, चार्ली की, बट देखते हैं एक्चुअल में इमेजिनेशन है कि नहीं। तो ऑन द थर्ड लेवल ही फाइंड्स ओनली फ्यू टिकट विंडोज एंड गेट्स, तो जो थर्ड लेवल है वो वहाँ पे उनको कुछ ही टिकट विंडोज और गेट्स दिखते हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर इज मेड अप ऑफ वुड, जो इंफॉर्मेशन बूथ है बीच में बना हुआ है वो किसका, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का। इट इज ओल्ड लुकिंग, जो पूरा सेटअप है वो थोड़ा पुराना सा लग रहा है। ही सीज फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, गाइस आप लोगों ने पुरानी अगर नार्निया या हैरी पॉटर देखी हो तो वहाँ पे गैस लाइट्स जलती थी, स्ट्रीट लाइट्स की जगह, जैसे अभी तो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पे गैस लाइट्स होती थी, ऐसे चौकोर बनी हुई और उसमें लाइट गैस से जलती थी, तो यहाँ पे वो देखता है फ्लिकरिंग लगी हुई। देयर आर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर, जस्ट अ सेकेंड गाइज, या ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, आ जाइए वापस। देयर आर ब्रास स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर, और ब्रास के बने हुए स्पिटॉन्स यानी एक तरीके से ऐसे छोटे थूक, मतलब सॉरी गाइज स्पिट करने के, आप उन लोगों ने वहाँ पे क्या जैसे डस्टबिन होते हैं वैसे ब्रास के लगा रखे हैं जहाँ पे लोग स्पिट कर सकते हैं। पीपल वियर डर्बी हैट्स एंड फोर बॉटम सूट्स, वहाँ पे पुराने तरीके की डर्बी हैट्स लोगों ने पहन रखी और फोर बॉटम सूट्स पहन रखे। ही हैज नेवर सीन सो मैनी बियर्ड्स साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेस इन हिज लाइफ, वहाँ पे सबकी क्या है बियर्ड्स अलग अलग तरीके की, साइड बर्न्स यानी काफ़ी बड़ी हैं, अच्छी अच्छी फैंसी मुस्टैचेस हैं, तो उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, यानी चार्ली ने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। He catches a glimpse of a very small career and Ives locomotive, यानी गाइज उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, पुराने ज़माने का जो स्टीम इंजन था उनको वहाँ पे भी वो दिखा, तो अभी वो सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे पूरी ओल्ड लुकिंग चीज़ें हैं, जो पुराना ज़माना होता था वैसी चीज़ें यहाँ पे हैं। देन ही वॉक्स, ओके गाइज सॉरी, तो देखिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Then he walks over to a bookshop and buys a copy of The World. The World उस टाइम पे न्यूज़पेपर था, तो वो एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे ये लेते हैं, ओके, उसको बाय करते हैं. The World has not been published for years. उनका टाइम जो अभी प्रेजेंट का टाइम है गाइज, वो ये सोच रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो बहुत टाइम से पब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी The World कैसे मिल सकता है. But the copy he buys was printed on June 11, 1894. वो ये भी चेक करते हैं जो वो बाय करते हैं यहाँ पे The World की कॉपी, वो कब प्रिंट हुई है गाइज, जून 11, 1894 में. Charley turns towards the ticket window. जो Charley है वो यहाँ पे अब कहाँ जाते हैं, टिकट विंडो की तरफ जाते हैं. He wants 2 tickets to Galesburg, Illinois. Okay, Illinois. वहाँ पे जगह है, वहाँ पे गेल्सबर्ग एक जगह है, तो वहाँ की वो 2 टिकट बाय करते हैं. The clerk figures the fares. जो क्लर्क है वो फेयर उनको बताते हैं. He counts out the money and looks up. तो यहाँ पे वो उसकी तरफ देखते हैं और द क्लर्क जो है वो उनको बोलते हैं, द क्लर्क सेज दैट आंट मनी मिस्टर एंड ऑल्सो वॉन्ट्स हिम नॉट टू चीट हिम. तो गाइज क्या है यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है, जो Charley है उनके पास न्यू करेंसी है, नए टाइम का नोट है, और वहां पे पुराने करेंसी चल रही है, पुराने टाइम के नोट चल रहे हैं. तो जो क्लर्क है वो Charley को धमकी देते हैं कि मुझे उल्लू या चीट करने की कोशिश मत करो, और ये हमारे यहाँ की मनी नहीं है. चलिए, ही ग्लांसेज एट द कैश ड्रॉयर. जो यहाँ पे Charley है वो कैश ड्रॉयर की तरफ देखते हैं. द मनी इज इन ओल्ड स्टाइल नोट्स एंड डिफरेंट लुकिंग. जो मनी थी वो ओल्ड स्टाइल की थी और अलग दिख रही थी. He turns and get out fast. तो यहाँ पे Charley जो है वो मुड़ते हैं और जल्दी से बाहर चले जाते हैं. There is nothing nice about going to jail even in 1894. यहाँ पे Charley सोचता है कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पे भी पुराने जमाने में जेल चला जाऊँ. Next day he draws $300 out of his bank. अगले दिन यहाँ पे वापस प्रेजेंट में आ गए हैं गाइस, जो थर्ड लेवल है वहां से बाहर आ चुके हैं Charley, और अगले दिन वो क्या करते हैं, $300 बैंक से लेते हैं. किस तरीके की, पुराने तरीके की, सॉरी, अपने बैंक से पैसे निकालते हैं $300, और उनसे क्या करेंगे गाइज, वो पुराने तरीके की ओल्ड करेंसी बाय करेंगे. देखिए, ही बाइज ओल्ड स्टाइल करेंसी. यहाँ पे बोला गया है उन्होंने क्या करा है, $300 में जितनी भी ओल्ड करेंसी आ चुकी है वो यहाँ पे बाय कर चुके हैं. हिज $300 by less than 200 in old style notes. तो $300 जो एक्चुअल प्राइस, जो अभी की करेंसी थी, उससे वो कितने 200 ही खरीद पाए, यानी $200 ही खरीद पाए पुराने टाइप के. But he has never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. तो यहाँ पे बोला गया है लेकिन वो ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को, या कोई कॉरिडोर जो उनको लेके चला जाए कहाँ तक, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक, बट ऐसा नहीं हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Louisa his wife is worried when he tells her all this. जो Louisa है उनकी वाइफ है, वो काफी परेशान है इस चीज से लेके कि तुम यहाँ खुश नहीं हो एक तो, और तुम ये सब क्या ढूंढते रहते हो और तुम्हें ये कैसे मिल रहा है. वो सोच रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद Charley क्या है, मेंटली इल है और वो परेशान है. She doesn't want him to look for the third level anymore. Next देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या बोला गया है. तो Louisa जो है वो मना कर देती है Charley को कि मैं नहीं चाहती तुम और अब इस चीज के बारे में डिस्कस करो और ये ढूंढो, यानी क्या, थर्ड लेवल को ढूंढते रहो. Now both Charley and his wife Louisa have proof that the third level is still there. दोनों के पास प्रूफ है. कैसे प्रूफ है देखते हैं गाइस, क्या वो अभी पता चलेगा आपको. His friend Sam Vanier disappears. जो Sam उनके फ्रेंड थे, कौन, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड Sam, हमें पता है ये चीज, हमने कैक्टस में पढ़ा है. वो डिसअपियर हो गए, एकदम से गायब हो गए, थानोज ने अपना काम कर दिया. चलिए नहीं गाइस, देखते हैं कहाँ डिसअपियर हो गए. Nobody knows where but Charley suspects. किसी को नहीं पता पर Charley को थोड़ा थोड़ा सा शक है. Him to be in Galesburg. Charley ने सोचा कि वो कहाँ पे है, गेल्सबर्ग में. जो गेल्सबर्ग कहाँ है, थर्ड लेवल की बात, क्योंकि जब Charley ने Sam को बताया था गेल्सबर्ग के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में, तो Sam काफी एक्साइटेड था गेल्सबर्ग जाने के लिए, क्योंकि उनको वो जगह बहुत पसंद आई थी जब वो स्टोरी बता रहे थे. देखिए ये पता चलेगा अभी आपको. He liked the place very much. यहाँ पे किसकी बात हो रही है गाइज, ही कौन है यहाँ पे, Sam. तो चार्ली हैड ऑफन टोल्ड हिम अबाउट द प्लेस हिज स्कूल, तो चार्ली ने गेल्सबर्ग के बारे में, उस प्लेस के बारे में, उसके स्कूल के बारे में काफी बार बताया है, किसको? सैम को। दैट नाइट चार्ली फाइंड्स अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स अ रेयर एनवलप। उस दिन, उस रात को क्या होता है, चार्ली जो है वो ऐसे ही अपने ओल्ड लेटर्स एंड ऑल कवर्स देख रहे होते हैं, तो उसमें एक रेयर, यानी वो अब तक ऐसा कोई एनवलप उन्होंने नहीं देखा है, वो उनको मिलता है। चलिए, इट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये किसको मेल किया गया है? चार्ली के ग्रैंडफादर को, उनके घर पे, यानी वो घर कहाँ पे है? गेल्सबर्ग में, यानी जो चार्ली का पुराना घर है। द पोस्टमार्क शोड जुलाई 1894, जो पोस्ट उस पर लिखी हुई थी, जो डेट थी उस पर, वो क्या शो कर रही थी गाइस? जुलाई 1894। सॉरी, मैं डेट गलत बोल रहा हूँ बार बार, बट द डेट इज जुलाई 1894। चार्ली हैड नेवर सीन दैट एनवलप बिफोर, चार्ली ने ये एनवलप आज से पहले नहीं देखा था। He can't understand how it came here, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है ये लेटर और ये एनवलप यहाँ पे कैसे आया है। He takes it out and opens it, वो निकालते हैं उसको और ओपन करते हैं। The letter was addressed to Charlie by Sam, important है guys, जो लेटर है यहाँ पे वो चार्ली के लिए लिखा गया है, किसने लिखा है? सैम ने। It was written that Charlie was right about the third level, उसमें ये लिखा गया है guys, चार्ली जो है वो सही थे किसके बारे में? थर्ड लेवल के। सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल, सैम को भी क्या हुआ है? थर्ड लेवल मिल गया है। ही वाज इन गेल्सबर्ग, वो अभी कहाँ पे है? गेल्सबर्ग ने। सो जो चार्ली ने गेस किया था कि सैम कहाँ हो सकते हैं, गेल्सबर्ग में, वो करेक्ट हुआ। ही वाज अ हाईली रोमांटिक प्लेस, सॉरी इट वाज अ हाईली रोमांटिक प्लेस, तो यहाँ पे गेल्सबर्ग के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, काफी रोमांटिक प्लेस है। Someone was playing a piano, वहाँ पे बताया गया है कोई वहाँ पे पियानो बजा रहा है। And others was singing Sing Nelly Home, यहाँ पे एक सॉन्ग है जिसके बारे में बताया गया, अदर्स लोग वहाँ पे और क्या कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं। It was written that Charlie and Louisa should keep looking till they found the third level, तो यहाँ पे उसमें लेटर में लिखा गया है कि चार्ली, तुम और तुम्हारी वाइफ लुइसा ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता। तो जो प्रूफ की बात हुई थी गाइज वो ये है, चार्ली और लुइसा के पास ये, यानी ये लेटर है, प्रूफ किसका? सैम के थ्रू जो आया है। द लेटर वॉज साइन बाय सैम, जो लेटर था उसमें किसके साइन हो रखे थे? सैम के। चार्ली गोज टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, चार्ली क्या करते हैं? स्टैम्प पे और कॉइन स्टोर पे जाते हैं। ही फाइंड्स आउट दैट सैम एंड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहां पे उनको ये भी पता चलता है, ये भी एक प्रूफ है कि सैम ने भी क्या करा है, $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी परचेज करी थी, निकलवाई थी। दिस मनी वॉज इनफ टू सेट अप फीड एंड ग्रीन बिजनेस विच ही हैड इन माइंड, तो यहाँ पे सैम जो है उसने क्या सोचा था कि मैं वहाँ ऐसे पुराने समय में जो दो दोस्त, आप सोचिए ऐसा क्या होता था जब भी चार्ली उनको बताता था सैम को गेल्सबर्ग के बारे में या वहाँ पुराने जगह के बारे में, तो वो डिस्कस करते थे अगर मैं वहाँ आऊँगा तो क्या करूँगा। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है ये मनी जो $800 की वो पुरानी ओल्ड करेंसी लेके गए थे, ये काफ़ी थी सैम के लिए कि उनको वो वहाँ पे खाना पीना खिला सके और ग्रीन बिजनेस अगर वो करना चाहते हैं जो उनके दिमाग में था वो सेटअप कर सके। सैम वाज नो वन एल्स बट हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, सैम ही कौन थे? डॉक्टर थे दिमाग के, कौन थे? साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे, और उन्हीं को एक्चुअल में क्या मिल गया गाइस? थर्ड लेवल। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चैप्टर क्या है, एक फिक्शन है गाइस, समझ में आया? यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है गाइस उसकी समरी खत्म होती है, एज इन कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच नहीं है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में इसका कैरेक्टर स्केच कर लेंगे। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैंने ये चेंज किया है आप लोगों के लिए, विद आंसर दे रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? आप क्या सोचते हैं थर्ड लेवल क्या है? एक एस्केप है, मीडियम ऑफ एस्केप है चार्ली के लिए, तो हम आंसर लिख सकते हैं यस, ये क्या है, एक एस्केप है, मीडियम ऑफ एस्केप है किसके लिए? चार्ली के लिए। इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये पॉइंट लिखिएगा और इसको समझाइएगा, ये क्या है एक तरीके से। हाँ गाइस, तो हम क्या बोल रहे थे, इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, चार्ली के लिए ये क्या है, एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चार्ली वॉज अनहैप्पी विद हिज लाइफ, इट प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम मॉडर्न डे फियर वरीज एंड इनसिक्योरिटीज, तो चार्ली क्या था गाइज, अनहैप्पी था अपनी लाइफ से, तो ये जो मीडियम है यानी थर्ड लेवल है, ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता था, जो क्या करता था उनको मॉडर्न डेज में जो फियर है, वरीज हैं, वॉर्स हैं, इनसिक्योरिटीज है, वहां से एक एस्केप प्रोवाइड करवाता था। चलिए गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, बट इंपॉर्टेंट नोट गाइस, आप बोलेंगे सर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैंने ये आप लोगों के लिए इस सेशन से चेंज किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की बनाने वाला हूँ, लेकिन किस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ऑल जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और हम ये भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी मैं वीडियो अभी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की यानी थर्ड लेवल की। सो देखते रहिए क्या थर्ड लेवल का नेक्स्ट वीडियो। ये मेरी भी ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है। फॉर मोर वीडियोस गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर